गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूट्रोफिकेशन. सो व्हाट इज़ बेसिकली यूट्रोफिकेशन? ग्रीक यूट्रोफिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ यूट्रोफिया विच मीन्स एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन. जो यूट्रोफिकेशन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है यूट्रोफिया, जिसका मतलब होता है एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन. एडिक्वेट का मतलब जितना चाहिए उतना, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है, एंड हेल्दी न्यूट्रिशन. यूट्रोफिकेशन इज़ अ सिंड्रोम ऑफ इकोसिस्टम रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स थ्रू फर्टिलाइजर्स सीवेज एक्सेट्रा दैट फर्टिलाइज द एक्वेटिक इकोसिस्टम. इट इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाई लीचिंग ऑफ फॉस्फेट और नाइट्रेट्स कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन टू लेक्स और रिवर्स. बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि यूट्रोफिकेशन इज़ दी एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स. मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, वो हमारे लेक और रिवर्स में जाके अक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है. और बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल न्यूट्रिएंट्स की या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की, तो स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की. और नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स कहाँ से आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र से आ रहे हैं या फिर हमारे सीवेज से आ रहे हैं. और ये कहाँ एंटर हो रहे हैं, हमारे लेक्स और रिवर्स में, ठीक है. इट इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाई द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट और नाइट्रेट्स कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक है. एग्रीकल्चरल लैंड्स में जब हम लोग एक्सेस में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो वो लीच आउट हो जाते हैं, वो ग्राउंड से लीच आउट होकर हमारे किस में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, एंड देन दे कॉज यूट्रोफिकेशन, ठीक है. अब हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, बेसिकली उसमें क्या हो रहा है. सो अब ये समझेंगे हम इस फिगर के थ्रू, ओके. सो यहाँ पे पहला स्टेप हो रहा है हमारा, वेरी फर्स्ट स्टेप इज, लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन मैं आपको समझाती हूँ. सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज हैपनिंग इन यूट्रोफिकेशन इज न्यूट्रिएंट लोड अप. मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो ऐड हो रहा है हमारे पॉन्ड में, ठीक है. न्यूट्रिएंट लोड अप, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स आर फ्लश्ड फ्रॉम दी लैंड इनटू रिवर्स और लेक्स बाय रेन वाटर, ठीक है. अब जैसे कोई पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, इसके आसपास में इधर क्या है, यहाँ पे फील्ड्स हैं हमारी, ठीक है, खेत हैं हमारे बहुत सारे. इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक्सेस फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ जो भी एक्सेस फर्टिलाइजर्स में क्या क्या हमारे स्पेसिफिकली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, वो क्या करेंगे, लीच आउट करके हमारे इस पॉन्ड में चले जाएंगे, ठीक है. या तो वो लीच आउट करके जाएंगे या फिर वो थ्रू रेन वाटर हमारे पॉन्ड में चले जाएंगे, ठीक है. एंड वंस दे एंटर दिस पॉन्ड, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में लेट्स सी, फर्स्ट लेट मी इरेज. पॉइंट वन हमने देख लिया कि एक्सेस न्यूट्रिएंट जो था वो रेन वाटर के थ्रू या लीच आउट होके हमारे पॉन्ड में आ गया. देन व्हाट विल बी योर सेकेंड स्टेप, प्लांट्स फ्लरिश, दीज पोल्यूटेंट्स कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ एल्गी डकवीड एंड अदर प्लांट्स. अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पॉन्ड में ऐड अप हो रहे हैं उसके वजह से क्या, जो प्लांट जो हमारे पॉन्ड के अंदर जो इन्वेजिव प्लांट्स होंगे या जो वीड्स होंगी, बेसिकली हमारी नॉट इन्वेजिव, जो भी हमारी वीड्स होंगी, ठीक है, वीड्स हो गई, जस्ट वेट अ सेकंड, जो हमारी वीड्स हो गई, अनवांटेड जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, वो क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे बहुत तेज़ी से. अनवांटेड प्लांट्स हो गए, वीड्स हो गए, हमारी एल्गी हो गई, ठीक है. ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ एल्गी, जो आपको सरफेस पे ग्रीन कलर की मिलती है पॉन्ड्स के अंदर, अगर आप किसी भी पॉन्ड को देखेंगे उसके ऊपर एक आपको ग्रीन सी लेयर नज़र आएगी, जो भी यूट्रोफिक लेग्स होंगे, मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम बहुत ज़्यादा होगा, उसके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की लेयर नज़र आएगी. सो दैट लेयर इज़ नोन एज एल्गी. तो जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, जब हमारे एक्सेसिव नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जब हमारे पॉन्ड के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो दैट विल रिजल्ट इन टू मोर ऑफ दीज एल्गी ग्रोथ. ये एल्गी की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, एल्गी की ग्रोथ बढ़ेगी, ये जो आपको वीड्स नज़र आ रहे हैं वो बढ़ेंगे, अनवांटेड प्लांट्स जो नज़र आ रहे हैं वो सारे क्या करेंगे, दे विल उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे हमारी एल्गी ऊपर एकदम सरफेस पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी. अब जब एल्गी एकदम सरफेस पे ग्रो हो गई है,
तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक O2 है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक O2 नहीं जा पा रहा है और एक हमारी सनलाइट नहीं जा पा रही है। ये हमारा सन है, ठीक है, हमारी यहाँ सनलाइट नहीं जा पाएगी, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी सनलाइट, और ना हमारा O2 जा पा रहा है ना हमारी सनलाइट जा पा रही है। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से क्या होगा कि जो हमारे अंदर ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिश वगैरह हैं, फिश हो गई, जो दूसरे प्लांट्स वगैरह हैं, उनको क्या होगा, उनको उनके ग्रोथ के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका पॉइंट 3 क्या है, लेट अस गो एंड वॉच सी पॉइंट 3। पॉइंट 3 है आपका कि एल्गी ब्लूम, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड। ये एल्गी क्या कर जाएंगी, ब्लूम कर जाएंगी, ब्लूम मतलब एकदम ग्रो कर जाएंगी बहुत ज़्यादा, एंड ऑक्सीजन इज डिप्लीट। ऑक्सीजन क्यों डिप्लीट होगा, क्योंकि इन्होंने पूरे सरफेस को कवर कर लिया है, तो इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेरिक O2 है वो अंदर नहीं जा पा रहा है और ना ही हमारी सनलाइट जा पा रही है। अब ये दोनों डिप्लीट हो गए, ऑक्सीजन और सनलाइट डिप्लीट हो गए, तो जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होने लगेंगे, वो मरने लगेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दे विल स्टार्ट इवेंचुअली स्टार्ट डाइंग। और जो भी हमारे स्पॉन्ड के अंदर जो भी टोटल ऑक्सीजन थी वो भी क्या होने लगेगी, डिप्लीट होने लगेगी, क्योंकि जो बाकी बची कुची फिशेज होंगे वो इसी ऑक्सीजन को यूज़ कर रही होंगी। ठीक है, इसी ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो वो स्टॉक है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का लेवल डे बाय डे कम होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर की O2 ऐड नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऊपर एक कवर बन गई है एल्गी की। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे कम होगा वैसे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक एक करके मरते जाएंगे, जो फिश पॉपुलेशन होगी वो मर जाएगी। अब कोई भी चीज़ मर रही है तो वो डीकम्पोज होगी, अब उसके डीकम्पोजिशन के लिए उन्हें अलग से ऑक्सीजन चाहिए, तो एक तो ऑक्सीजन पहले ही कम है, उसके बाद में जब ये सारी फिशेस वगैरह डीकम्पोज हो रही है, इनके डीकम्पोजिशन के लिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर आपको इस पूरे पॉन्ड में ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ इस पूरे पॉन्ड की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, सारे जो भी इसमें ऑर्गेनिजम्स थे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो दे विल ऑल डाई, O2 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला जब लेवल आ जाएगा, दैट लेवल इज़ नोन एज यूट्रोफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। आपका स्टेप 5 क्या है, डेथ ऑफ द इकोसिस्टम। ऑक्सीजन लेवल रीचेज अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल, फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डाई, कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं कोई नहीं रह पाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, सिंपल वर्ड्स में करें तो क्या होगा कि एक्सेस न्यूट्रेंट्स आए बाहर से हमारे पॉन्ड में ऐड हुआ। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो भी हमारे वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं और एल्गी है, वो क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी बहुत ज़्यादा, एल्गी बहुत ज़्यादा ब्लूम कर जाएगी सरफेस पे, एटमॉस्फेरिक O2 और सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जितना O2 है वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसे यूज़ करेंगे, फिशेस वगैरह इसको यूज़ करेंगी। अब ये O2 का भी क्या होगा, लेवल कम होता रहेगा डे बाय डे, O2 का लेवल कम होता रहेगा, और जो O2 का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल स्टार्ट डाइंग। ठीक है, वो मरते जाएंगे, उनको डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो O2 हमारा एकदम ही कम हो जाएगा, और एक पॉइंट पे वो ऐसा आ जाएगा कि इस पॉन्ड के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, कोई भी लाइफ नहीं मिलेगी आपको इस पॉन्ड के अंदर, एंड दिस होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, काफ़ी ईजी प्रोसीजर है, बट हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आ ही जाता है। ठीक है, कि अगर आपसे सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, लेकिन कई बार आपसे ये पूछ सकते हैं कि मतलब वर्डिंग्स को आप दे विल चेंज द वर्डिंग्स, लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लेक एनरिचमेंट कॉल्ड, ऐसे करके, तो देन यू शुड नो दैट इट इज़ यूट्रोफिकेशन। ओके, so that's it for today's topic, and I hope you are making notes and studying well. So thank you and take care.